हिंदुस्तान नाम है ना, तो संविधान चलता है ना, संविधान तो अगर अगर हिंदू राज बनना हो संविधान बदलना पड़ेगा फिर। क्यों? अरे तो हिंदू राज तभी तो बनेगा। अच्छा ऐसा है? अभी तो सेक्युलर है ना हमारे वो जो। संविधान बदल सकता है, भागवत गीता नहीं बदल सकता। बिल्कुल नहीं बदल सकती। हाँ तो संविधान बदला जाएगा, तो संविधान बदला जाएगा तो ठीक है, बदल जाएगा। हाँ बदल जाएगा। हिंदू राज मिलेगा क्या आपको? आपके लिए क्या होगा हिंदू राष्ट्र में बताओ? हमारे लिए सही हो जाएगा, हम हिंदू सही हो जाएगा, हम हिंदू हैं, हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। अरे तो भाई हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो अभी अभी दिक्कत क्या है आपको? हमें दिक्कत है ना। क्या दिक्कत है? हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए। अरे उसमें होगा क्या? हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए पर उसमें तुम्हारे लिए अच्छा क्या होगा ये तो बता दो गुरु। देखिए मैं जानता हूँ आप न्यूज रिपोर्टर हैं, आप मुझे कैसे भी घेर ओढ़ देंगे, घेर ओढ़ के फिर बात कर लेंगे। आप पूछना चाह रहा हूँ आपसे भैया, मैं तो कुछ घेर ही नहीं रहा, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ हिंदू राष्ट्र में। अच्छा अगर हिंदू आप हिंदू हैं जी, अभी कोई समस्या दिक्कत आपको? मेरे को समस्या नहीं है, नहीं है। दिक्कत नहीं। तो फिर हिंदू राष्ट्र क्यों चाहते? हिंदू राष्ट्र में आप भाई कि मेरा हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो मुझे ये अच्छा हो जाएगा, मेरे लिए वो अच्छा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ तो सोचा होगा। अच्छाई के लिए नहीं है ना, ये हिंदुस्तान है, हिंदू राष्ट्र रहना चाहिए पहले से। अब जब पाकिस्तान में गए थे मुसलमान, बंटवारा जब हुआ था भारत पाकिस्तान का, तो यहाँ से पाकिस्तान में गए ना मुसलमान, तो सारे को चला जाना चाहिए, तब हिंदू राष्ट्र हम नहीं बनाते। हाँ समझिए। हाँ कहो कहो कुछ कह लो तुम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। खैर बहुत ज़्यादा नहीं कहते हुए हमने बात की लोगों से, आप भी कुछ कह दीजिए। इसके बाद इनकी सुनने के बाद कुछ कहने का मन नहीं है? मुझे कुछ कहना ही नहीं। दुखी किस लिए हैं? दुखी हैं? तो छुप क्यों रहे हैं? माही के हैं वो, राम मंदिर बन रहा है अयोध्या। अयोध्या के हैं तो छुप क्यों रहे हो फिर? तो और सामने आके बोलना चाहिए। अच्छा तो आपने सुना लोगों को, लोगों की बातें और युवाओं की बातें। समझिए कि जब आप शहर में ऐसे किसी के पास चले जाते हैं, ऐसे युवा मिलते हैं और जो बात बोल देते हैं, उसके बाद आप क्या बोलें? आप उनसे भिड़ नहीं सकते। हम तो बस एक माध्यम है जिसमें हम रिफ्लेक्ट करते हैं।